हेलो दोस्तों, सलाम आदाब, नमस्कार, स्वागत है जावेद खान ऑटो ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान। दोस्तों, इस चैनल पे मिलती है आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई, साथ में मिलते हैं कुछ नई पुरानी कार के यूजर रिव्यू। तो दोस्तों, वही लेके फिर से आपके सामने हाजिर है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं कि एंट्री लेवल हैचबैक और जिसका माइलेज भी सबसे ज्यादा हो, तो आज की डेट में सबसे ज्यादा पसंदीदा और न्यू लॉन्चिंग सिलेरियो के बारे में बात करना सबसे बेहतर माना जाता है। तो दोस्तों, उसी का एक वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं सिलेरियो के वैल्यू फॉर मनी मॉडल, यानी कि सिलेरियो VXI मॉडल का। तो इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे इस मॉडल में क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, क्या इसका प्राइस टैग रहता है और क्या क्या बेनिफिट आपको इसके लेने के पड़ सकते हैं और कितना माइलेज ये गाड़ी क्लेम करती है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन एक्सटीरियर के बारे में। तो देख सकते हैं काफी स्टाइलिश आपको मिलता है इसका फ्रंट का फेसिया डिजाइन और ये काफी इंस्पायर्ड लगती है आपको बलिनो और स्विफ्ट के साथ में, और उन्हीं का दोनों का मॉडिफिकेशन वर्जन इसको आप बोल सकते हैं। और सबसे पहले बात करें तो इसके बोनट डिजाइन के बारे में, काफी बल्कि आपको इसका बोनट डिजाइन मिलता है और काफी ऊपर की तरफ मिलता है और इसकी शेप को एरोडायनेमिक बनाता है। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों इसके हेडलैम्प्स के बारे में, तो काफी स्टाइलिश आपको डुअल चैम्बर हेडलाइट्स मिलती है जिसमें हेलोजन और इंडिकेटर का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। उसके अलावा काफी अच्छा डिजाइन आपको मिल जाता है इसके इंडिकेटर की पार्शन पे देखने के लिए, बाकी हेलोजन हेडलैम्प का ये ऑप्शन अवेलेबल होता है दोस्तों। बाकी बात करते हैं इसकी क्रोम मैच ग्रिल के बारे में, तो आपको लगभग स्विफ्ट से ये काफी इंस्पायर्ड लगेगी बट लुक में थोड़ा सा और भी डिसेंट फील कराती है आपको। बाकी नीचे की तरफ का पोर्शन अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा स्टाइलिश मिलने वाला है, काफी बेहतर। बस VXI मॉडल है तो इसमें आपको फॉग लाइट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। बाकी जो बंपर है वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में काफी बढ़िया फपता और काफी स्टाइलिश भी दिखता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं काफी बढ़िया आपको नंबर प्लेट का फ्रेमिंग मिल जाता है देखने के लिए, जो नंबर प्लेट जहां पर लगेगी उसका जो स्पेस है वो काफी बढ़िया से यूटिलाइज किया गया है। बाकी बात करते हैं दोस्तों जो बंपर है, उसके अलावा आप वहाँ पे ग्रिल देख सकते हैं, काफी ओपन आपको मिल जाती है ग्रिल जो एयर वेंटिलेशन का काम काफी बढ़िया से करती है, काफी बढ़िया से आपको मिलता है इसका एयर वेंटिलेशन देखने के लिए। बाकी चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में, तो साइड प्रोफाइल से काफी डिसेंट और काफी प्रीमियमनेस सी फील आती है आपको इस कार को देखने के लिए। और अगर बात करें तो ये आपको स्विफ्ट और बलिनो से बिल्कुल भी नहीं लगती है, साइड में एकदम बिल्कुल नया आपको काफी बल्कि डिजाइन दिखता है देखने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं इसके फेंडर के बारे में, तो काफी स्टाइलिश आपको मिल जाते हैं इसके फेंडर देखने के लिए, और फेंडर पे ही VXI मॉडल है तो आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है और फेंडर पे काफी बढ़िया आपको मिल जाता है इसका डिजाइन देखने के लिए। उसके अलावा टायर साइज की बात करें तो सभी के सभी टायर आपको ट्यूबलेस अवेलेबल हो जाते हैं, और ये दोस्तों VXI मॉडल है तो इसमें 14 इंची के ट्यूबलेस टायर अवेलेबल होते हैं। बाकी इसमें व्हील कवर का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, तो व्हील कवर आपको अभी बॉक्स में अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी बात करते हैं डोर हैंडल आपको मिल जाता है सेम कलर के साथ में, जो VXI वर्जन है उसके अंदर भी, और साथ में मिल जाते हैं डोर हैंडल आपको सेम कलर के चारों दरवाजों पर। तो दोस्तों, ये है इसका साइड प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल से आप देख सकते हैं काफी डिसेंट है इसका डिजाइन और काफी बढ़िया लुक भी आता है कार का। बाकी बात करते हैं इसके दोस्तों रियर प्रोफाइल के बारे में, तो रियर प्रोफाइल से भी काफी बढ़िया आपको ये कार दिखती है, काफी स्टाइलिश फील कराती है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है सिलेरियो का बैजिंग आपको बिल्कुल बैक साइड में मिल जाता है, उसके अलावा काफी स्टाइलिश और काफी अपडेट बिल्कुल न्यू डिजाइन के साथ में मिलती है आपको इसकी रियर टेल लैम्प्स। उसके अलावा दोस्तों बात करें तो पार्किंग सेंसर का ऑप्शन। बाकी दोस्तों बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में और भी डिजाइन के बारे में, तो देख सकते हैं रियर टेल लैम्प्स काफी स्टाइलिश हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं बीच में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, बाकी बूट को गेट ओपन करने के लिए आपको की का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, अगर मैग्नेट होता तो थोड़ा सा और स्टाइलिश गाड़ी को फील कराता। बाकी बात कर लेते हैं इसके हाई स्टॉक माउंट के बारे में, तो काफी स्टाइलिश आपको हेड पीछे की तरफ मिल जाता है इसका हाई स्टॉक माउंट लैम्प। उसके अलावा बात करते हैं इसके बम्पर के बारे में, तो दोस्तों बम्पर डिजाइन आप देख सकते हैं काफी स्टाइलिश सा बम्पर डिजाइन मिलता है, और बम्पर डिजाइन में ही देख सकते हैं रिफ्लेक्टर आपको मिल जाते हैं दो, और दोनों ही रिफ्लेक्टर के अंदर काफी बढ़िया स्टाइल आपको देखने के लिए मिलता है। पहली बार आपको इस रिफ्लेक्टर के अंदर ही देखिए पार्किंग सेंसर का ऑप्शन मिल जाता है जो काफी बढ़िया आपको दिखता है और काफी सेफ्टी भी इन्हेंस करता है आपकी कार की। बाकी दोस्तों बूट गेट ओपन करा के दिखाता हूँ आपको इसका बूट स्पेस, तो देख सकते हैं काफी लार्ज बूट स्पेस इस कार के अंदर आपको अवेलेबल हो जाता है, लगभग आपको मिल जाता है 313 लीटर के आसपास का बूट स्पेस। बाकी VXI वर्जन तो आपको इसमें पार्सल ट्रे का ऑप्शन भी मिल जाता है, और पार्सल ट्रे काफी बड़ी है, काफी बढ़िया बल्कि डिजाइन की है, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। और जो रियर सीट्स हैं वो आपको मिलती हैं दोस्तों 60-40 फोल्डेबल ऑप्शन के साथ में, और ये मारुति ने पहली बार इसकी जो पार्सल ट्रे है इसको रिमूव करने के लिए और लगाने के लिए काफी बढ़िया डिजाइन दिया है। बाकी इसकी जो रियर सीट्स हैं उनको आप 60-40 फोल्ड कर सकते हैं VXI वर्जन से ऑनवर्ड्स। तो दोस्तों ये है इसका रियर गेट,
बाकी बात करते हैं इसके स्पेयर व्हील के बारे में और स्पेयर पार्ट्स के बारे में। तो स्पेयर व्हील आप देख सकते हैं सेम साइज का मिलता है आपको VXI वर्जन में, बाकी ZXI और ZXI प्लस वर्जन में आपको डिफरेंट साइज का मिलता है। बाकी स्पेयर पार्ट्स को रखने के लिए कोई भी स्पेस इस कार के अंदर आपको नहीं दिखेगा, तो स्पेयर पार्ट्स आपको यूटिलाइज करने पड़ेंगे। बाकी चलिए दोस्तों बात करते हैं ड्राइवर साइड विंडो और केबिन के बारे में। तो काफी स्टाइलिश आपको मिल जाता है इसका ड्राइवर साइड का विंडो और काफी बढ़िया प्लास्टिक ट्रिम आउट आपको मिल जाता है, काफी बल्की ये प्लास्टिक है। बाकी प्रीवियस वर्जन से इसके जो दरवाजे हैं वो काफी भारी आपको मिलते हैं, यानी कि वजन में काफी बदलाव किया गया है गाड़ी के। उसके अलावा नीचे आपको स्पेस मिल जाता है पेपर के लिए, साथ में मिलता है बोतल होल्डर और सिल्वर एक्सेंट के साथ आपको मिल जाता है VXI मॉडल में क्रोम सिल्वर एक्सेंट डोर हैंडल। उसके अलावा स्पीकर का स्पेस देख सकते हैं काफी डिजाइनिंग के साथ आपको मिलता है, बाकी स्पीकर स्पेस स्पीकर इसमें नहीं मिलता है। और जो आउटसाइड मिरर है दोस्तों वो मिल जाता है आपको एडजस्टेबल, आप अंदर से बैठे बैठे इनको एडजस्ट कर सकते हैं। और काफी अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलते हैं आपको, फोल्डेबल या मैनुअली मिलते हैं। बाकी देख सकते हैं दोस्तों ये है अंदर का इंटीरियर जो काफी बढ़िया और कुछ नया आपको फील कराता है सिलेरियो के अंदर, यानी कि काफी डिफरेंट आपको सिलेरियो लगती है। जो प्रीवियस वर्जन था उसमें आपको ब्लैक एंड बेज कलर का कॉम्बिनेशन मिलता था, बाकी यहाँ पे आपको पूरा प्रीमियम ब्लैक एकदम ट्रिम आउट मिलता है देखने के लिए, जो बलिनो स्विफ्टो में भी आपको मिलता है वैसा ही कुछ आपको मिलता है यहाँ पे ट्रिम आउट। बाकी ट्रिम आउट के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे एसी के वेंट काफी बढ़िया मिल जाते हैं आपको, सिल्वर एक्सेंट का काम मिलता है जिसका डिजाइन काफी आपको डिफरेंट फील कराता है और काफी यूनिक सा भी लगता है। उसके अलावा मिल जाते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिरर, फोल्डेबल वो मैनुअली है, बाकी आइडल स्टार्ट स्टॉप को ऑन ऑफ करने के लिए बटन। बाकी जो चाबी है दोस्तों वो आपको सिंपल चाबी ही मिलती है, सेंट्रल लॉक वगैरह नहीं मिलती है इसके अंदर। बाकी स्टीयरिंग ऑलरेडी आप देख सकते हैं आपको इग्निस वाली थोड़ी सी फील कराता है और वैगनर वाली फील कराता है, बाकी काफी बढ़िया डिसेंट सा ये आपको मिलता है इसका स्टीयरिंग। बाकी बात करते हैं दोस्तों म्यूजिक स्टीरियो वगैरह नहीं मिलता है इस मॉडल के अंदर, तो देख सकते हैं म्यूजिक स्टीरियो का सिर्फ स्पेस मिलता है, बाकी आपको चारों पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं, सेंट्रल लॉक का बटन मिल जाता है म्यूजिक स्टीरियो के साथ में, जो बिल्कुल एकदम से डिफरेंट आपको यूनिक सा फील कराता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एसी के सिल्वर एक्सेंट देखने के लिए मिल जाते हैं साथ में म्यूजिक स्टीरियो का जो बैकग्राउंड है। उसके अलावा मैनुअल आपको एसी के बटन मिलते हैं, नीचे की तरफ आपको मिल जाता है चार्जिंग सॉकेट 12 वोल्ट के साथ में। उसके अलावा बोतल होल्डर आपको मिल जाते हैं दो का फोल्डर, बाकी मोबाइल वगैरह रखने के लिए जगह है। और आपको मिल जाते हैं काफी स्टाइलिश दिखने वाली गियर नॉम आपको राउंड शेप में मिलती है, सिल्वर एक्सेंट का काम मिल जाता है VXI वर्जन में। बाकी देख सकते हैं आपको ये डुअल एयरबैग का ऑप्शन आपको मिल जाता है ड्राइवर को ड्राइवर दोनों सभी मॉडल के अंदर स्टैंडर्ड। बाकी डिजाइन आप देख सकते हैं काफी डिफरेंट आपको डिजाइन मिलेगा और आपको फील आएगा थोड़ा सा डिफरेंट बैठने के अंदर गाड़ी के अंदर। बाकी यूटिलिटी स्पेस काफी बढ़िया आपको मिल जाता है इसके अंदर और को ड्राइवर पे भी आपको मिल जाता है बोतल होल्डर का स्पेस। बाकी बात करते हैं वैनिटी मिरर के बारे में या आउट जो रियर व्यू मिरर है वो आपको बिल्कुल बेसिक मिलते हैं। उसके अलावा सनवाइजर मिल जाते हैं आपको बिल्कुल बेसिक, बट इसमें वैनिटी मिरर का ऑप्शन रहता है। केबिन के अंदर एक लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, ड्राइवर साइड पे आपको मिल जाता है टिकट होल्डर का ऑप्शन। बाकी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के बारे में बात करें तो आपको डिजिटल एनालॉग दोनों ऑप्शन के साथ अवेलेबल हो जाती है। और बाकी टिल्ट स्टीयरिंग का ऑप्शन दोस्तों इसमें नहीं अवेलेबल होता आपको, तो देख सकते हैं ये काफी बढ़िया केबिन व्यू आपको मिल जाता है। बाकी चलिए दोस्तों बात करते हैं रियर पैसेंजर केबिन के बारे में। तो काफी स्टाइलिश आपको रियर पैसेंजर केबिन भी मिलता है, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट एकदम शेड आपको मिलने वाला है पूरा का पूरा। काफी स्टाइलिश आपको रियर विंडो मिलती है और काफी बढ़िया विंडो आपको मिलती है, इसमें चाइल्ड लॉक का फंक्शन मिल जाता है। एंड इसकी जो पावर विंडो है दोस्तों वो दिखाता हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट शेड जगह पे आपको मिलती है। बाकी इसमें आपको छोटा सा बोतल होल्डर और पेपर होल्डर का स्पेस मिलता है, एक्सेंट सिल्वर के साथ में आपको मिल जाता है डोर का हैंडल। बाकी ये देख सकते हैं दोस्तों केबिन व्यू इस कार का, ये इसके व्हील कवर हैं दोस्तों जो व्हील पे भी नहीं लगे हैं, जब डिलीवरी होगी तो तब लगेंगे ये। बाकी इसके स्पेयर पार्ट्स जैक रोड वगैरह सब आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी स्पेस काफी बढ़िया आपको मिलता है, मैं एक बार बैठ के भी दिखाता हूँ। और केबिन के अंदर जो स्पेस है वो आप देख सकते हैं, हेडरूम वगैरह काफी बढ़िया मिलता है, यानी कि लगभग 6 फीट के लोग भी बैठेंगे तो काफी आरामदायक आपको फील होने वाला है, काफी कंफर्टेबल ये फील कराने वाली है। बाकी उसके अलावा देखते हैं केबिन में बैठ के दोस्तों, तो दोस्तों ये को पैसेंजर वाली को ड्राइवर वाली सीट बिल्कुल पीछे की तरफ है, उसके बाद भी काफी अच्छा लेग रूम आपको मिल जाता है, देख सकते हैं मैं काफी अच्छे से बैठ पा रहा हूँ यहाँ पे और लगभग एक ब्लांस से ज्यादा का स्पेस पूरा बचा हुआ है अभी भी, यानी कि मैं अगर कंफर्टेबल बैठना चाहूँ पूरे आराम से तो बिल्कुल आराम से बैठ सकता हूँ। बाकी हेडरेस्ट देख सकते हैं दोस्तों सभी के सभी आपको फिक्स मिलते हैं, यानी कि आपको हेडरेस्ट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता है। बाकी देख सकते हैं ये है इसके पीछे वाले हेडरेस्ट, ये भी इंटीग्रेटेड आपको मिलते हैं। बाकी पीछे आपको हेड आर्मरेस्ट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी जो रियर पावर विंडो वो आपको डिफरेंट स्टाइल में मिलने वाली है, यहाँ पे पीछे की तरफ मिलती है केबिन के अंदर, जो काफी बढ़िया आपको थोड़ा सा डिफरेंटनेस फील भी कराती है।
बाकी चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलता है काफी स्टाइलिश और काफी अपडेटेड नया रिफाइन इंजन, जिसको बोलते हैं मारुति वाले K10 सीरीज का इंजन है, जो आपको मिलता है आइडियल स्टार्ट स्टॉप के साथ में। पहली बार ये 1000 cc इंजन में आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप और डुअल VVT डुअल जेट मिलता है, यानी कि पहले से ज्यादा माइलेज आपको कार ये क्लेम करती है, प्लस ज्यादा पावर भी जनरेट करती है। और डिफरेंट बात बताएं तो सबसे ज्यादा माइलेज क्लेम करने वाली इकलौती कार भी बनती है ऑल ओवर इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। अगर बात करें इसके पेट्रोल वजन की एवरेज के बारे में, तो लगभग 26.68 का ये एवरेज क्लेम करती है पेट्रोल पर लीटर। दोस्तों ये तो भी पेट्रोल वर्जन का है, जब CNG वर्जन लॉन्च होगा तो मे बी सबसे ज्यादा माइलेज क्लेम करने वाली कार बनेगी, यानी कि अपनी वैगनार को पीछे भी छोड़ सकती है। बाकी आप इसका इंजन देख सकते हैं, काफी अच्छे से यहाँ पे मिलता है आपको देखने के लिए, और काफी बढ़िया काफी रिफाइन ये इंजन है। दोस्तों आप देखते हैं काफी स्पेस वगैरह भी इसके अंदर आपको मिल जाता है, और बिल्कुल डिफरेंट आपको 1000 cc वाला इंजन, यानी कि जो वैगनार में इंजन आता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट इंजन आपको मिलता है देखने के लिए। बाकी दोस्तों अगर बात करें तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस ये के सीरीज वाला इंजन आपको देता है, ऑलरेडी वैगनार एक्सप्रेसो में ही अवेलेबल होता है, बाकी सिलेरियो में भी आता है, बट सिलेरियो का जो नया वर्जन है इसमें आपको रिफाइन मिलता है, तो थोड़ा सा एवरेज भी ज्यादा है, पावर भी ज्यादा है। बाकी इसका बोनट आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी बल्की बोनट आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी इस पर थोड़ा सा इंसुलेशन अगर होता, जो फैब्रिक वाला इंसुलेशन आता है, तो काफी काफी आपको सहूलियत भी होती है, काफी अच्छा भी लगता है, और काफी नॉइस भी आपके इंजन के केबिन के अंदर कम जा पाती है, जिसकी वजह से तो अगर ये थोड़ा सा कवर्ड होता तो और भी बेहतर लगता। बाकी दोस्तों ये तो था इसका सिलेरियो VXI का वॉक अराउंड वीडियो, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। बाकी दोस्तों आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे डायरेक्टली विजिट करते हैं कर सकते हैं। बाकी अपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बाकी दोस्तों कोई भी मारुति की कार लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, आप उसको डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली NCR से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली मैं आपको मारुति की बेस्ट डील प्रोवाइड करूंगा। उसके अलावा दोस्तों डिफरेंट मॉडल की या कोई भी कार लेना चाहते हैं आप नेक्सा प्रोडक्ट भी, तो आप गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नेक्सस आउटलेट भी अवेलेबल है, तो हम वहां से आपको बेस्ट डील प्रोवाइड करेंगे। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और उसके अलावा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। बाकी दोस्तों गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें और टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि ये सब आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ही बने हैं। बाकी जल्दी मिलते हैं नए अपडेट वीडियो के साथ में दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।